नाजरीन, हम आ गए हैं कारखाने की तरफ। तो आपको इधर मुकम्मल हैंडल का प्रोसीजर बताएंगे कि हैंडल कैसे तैयार होता है। ये आप सान मशीन एक देख रहे हैं, इसके ये प्लेट लगी हुई है एक साइड पे और दूसरी साइड पे लगी हुई है बफ, रेगमार लगा हुआ है उसके ऊपर। इसके ऊपर हैंडल की गुलाइयाँ की जाती हैं। नाजरीन, जो हैंडल है ये पहले इस शेप में आता है, इसको इस मशीन के ऊपर तैयार किया जाता है, रेगमार लगाया जाता है ताकि ये मुलायम हो जाए। तो जी नाजरीन, हमारा हैंडल तैयार हो गया है, इसको रेगमार लग गया है और ये एक अच्छा और ख़ूबसूरत हैंडल तैयार हो गया है। इसके बाद नाजरीन, इसको एक केमिकल लगाया जाता है ताकि जो लकड़ी वगैरह के मसाम होते हैं वो अच्छी तरह बंद हो जाए और इसके ऊपर अच्छी तरह पेंट चढ़ जाए। ये केमिकल आप भी तैयार कर सकते हैं। कई लोग वुड सीलर और थिनर इस्तेमाल करते हैं, कई लोग स्प्रिट और थिनर इस्तेमाल करते हैं, मगर ये सबसे सस्ता केमिकल है ये जो भाई इस्तेमाल कर रहा है। ये 3 स्टेप वुड लेमिनेशन केमिकल है, ये भाई खुद ही तैयार करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इस केमिकल का। ये फोम की मदद से पूरे हैंडल पे लगाया जाता है ताकि कहीं से कोई जगह रह ना जाए। उसके बाद नाजरीन, इसको मुलायम करने के लिए जब इसके ऊपर केमिकल लगाया जाता है तो एक खुरदरा सापन आ जाता है। इसको मुलायम करने के लिए ये एक मशीन है, उसके ऊपर भी रेगमार लगा हुआ है, बहुत मुलायम रेगमार होता है ताकि हैंडल जो है वो मुलायम हो जाए। ये देखें नाजरीन, हैंडल माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तैयार हो गया है। ये नाजरीन केमिकल है वो जो लगाया जाता है। उसके बाद रिंग सबसे पहले पतरी को एक टोके की मदद से यानी कि कटर की मदद से काट लिया जाता है। ये कटर है नाजरीन जिससे पतरी काटी जाती है। उसके बाद इसके ऊपर एक लाइनिंग डालने के लिए एक गोला मशीन होती है। We'll be right back.
हालो बाल आ जाते हैं। हालो बाल एक ये कटर है, इसकी मदद से इनके बालों को काट लिया जाता है स्टेप बाय स्टेप। काटने के बाद इन यानी के पीसों को आपस में मिक्स किया जाता है। पेंट ब्रश में जो अप्लाई डलती है वो काट ली जाती है। सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है और ये अब ये खुश्क हो गए हैं बिल्कुल। और ये उसके बाद नाजरीन इसकी बुर निकाली जाती है ताकि जो पेंट ब्रश के बाइल वगैरह हैं वो अच्छी तरह आगे से मुलायम हो जाए। इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा होता है रिंग से, इसको एक कटर की मदद से इसको साइडों से थोड़ा थोड़ा काट लिया जाता है ताकि ये रिंग के अंदर एडजस्टमेंट हो जाए। We'll be right back.
पौधों को पेंट कैसे किया जाता है। स्टेप आ जाता है इसके ऊपर स्टैंप लगाने का कि आपने कौन सा ब्रांड का पेंट ब्रश तैयार किया है। ये आप अपने नाम से भी स्टैंप तैयार करवा सकते हैं। तो जी नाज़रीन, यह था आज का हमारा टॉपिक पेंट ब्रश की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। अगर आप पेंट ब्रश की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं तो आपने जो डेड साइज़ है उसका रॉ मटेरियल आपने कम से कम ख़रीदना है, जो चालू साइज़ है उसका रॉ मटेरियल आपने ज़्यादा ख़रीदना है। आपने अच्छी क्वालिटी का पेंट ब्रश तैयार करना है, आपका एक मार्केट में अच्छा मियार बन जाए। और इस काम को स्टार्ट करने के लिए आपको एक कारीगर की ज़रूरत होगी जो इसको मुकम्मल जानता हो। आप 1 से 2 माह उससे काम सीख लें ताकि आपको इस काम में कोई परेशानी ना बने। और इसका अब रॉ मटेरियल बताता हूँ कि आपको कौन सी आइटम कहाँ से मिलेगी। तो नाज़रीन, इसके जो बाल वगैरह हैं आपको फैसलाबाद से भी मिल जाएंगे, आपको लाहौर से भी मिल जाएंगे, आपको कराची से भी मिल जाएंगे और आपको सियालकोट से भी मिल जाएंगे। तो उस दूसरे नंबर पे जो इसका रिंग बोलते हैं जिसको, वो आपको मरीद के से आसानी मिल जाएगा। उसके बाद जो इसका हैंडल है नाज़रीन, वो आप प्लास्टिक का हैंडल है जो आपको गुजरांवाला से आसानी मिल जाएगा। अगर आप लकड़ी का हैंडल लगाना चाहते हैं तो वह आपको रहीम यार खां से मिल जाएगा। तो ये थी मुकम्मल डिटेल जो मैंने आपको तफसील के साथ बता दी। अगर आपने मज़ीद कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको उसका जवाब दे देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।